बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सम्राट चौधरी ने बीजेपी का झंडा फहराकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वहां पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। पिछले 43 वर्षों में बीजेपी के 2 सांसद से शुरू कर अब 303 पहुंच चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की जो नींव रखी थी, उस विचारधारा को सभी लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता विजय सिन्हा जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर यादव जी, माननीय पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी, रुंटा जी और पार्टी के महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के साथियों, आज हम लोगों ने एक पत्रिका जारी किया है, वो अपना रास्ता है। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें अपने विचारधारा के बारे में और जो 1980 से लेकर 2023 तक 43 वर्षों के रास्ते जो बने, किस तरह 2 सीटों से लेकर 303 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची, कैसे कार्यकर्ता नीचे जमीन पर काम करते रहे, कैसे आंदोलन करते रहे, लगातार पार्टी की चिंता बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर मंडल से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता इसको आगे बढ़ाते रहे, इन तमाम चीजों पर चर्चा लगातार होती रहेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार इकाई के प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता को बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सम्राट चौधरी ने बीजेपी का झंडा फहराकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वहां पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। पिछले 43 वर्षों में बीजेपी के 2 सांसद से शुरू कर अब 303 पहुंच चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की जो नींव रखी थी, उस विचारधारा को सभी लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता विजय सिन्हा जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर यादव जी, माननीय पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी, रुंटा जी और पार्टी के महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के साथियों, आज हम लोगों ने एक पत्रिका जारी किया है, वो अपना रास्ता है। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें अपने विचारधारा के बारे में और जो 1980 से लेकर 2023 तक 43 वर्षों के रास्ते जो बने, किस तरह 2 सीटों से लेकर 303 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची, कैसे कार्यकर्ता नीचे जमीन पर काम करते रहे, कैसे आंदोलन करते रहे, लगातार पार्टी की चिंता बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर मंडल से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता इसको आगे बढ़ाते रहे, इन तमाम चीजों पर चर्चा लगातार होती रहेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार इकाई के
प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता को